अस्सलाम वालेकुम। सिंथेटिक पॉलीमर्स में आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे है पॉलीयूरीथेन। पॉलीयूरीथेन किस तरह बनता है, इसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात, पॉलीयूरीथेन इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ, ये मिलने के बाद बनता है, किन चीज़ों के मिलने के बाद बनता है, कम्बिनेशन ऑफ डाई आइसोसाइनेट एंड डाईओल। अब ये डाई आइसोसाइनेट क्या होता है और डाईओल क्या होता है, पहले नंबर पर डाई आइसोसाइनेट क्या होगा, फिर हमारे पास आएगा डाई ओल। देखो आइसोसाइनेट, डाई मीन होता है टू, और आइसोसाइनेट जिसमें ये वाला फंक्शन ग्रुप हो, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को आइसोसाइनेट कहते हैं। इसी तरह डाई ओल, डाई मीन होता है टू ओ एल, अल्कोहल से निकाला गया है, लास्ट में ओ एल आता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो अल्कोहली ग्रुप OH ग्रुप मौजूद हो, ये डाईगोल होगा। मसलन डाई आइसोसाइनेट की एग्जांपल की बात की जाए तो हमारे पास CH2 C, यहाँ पे N आएगा पहले, N C डबल बॉन्ड O, सेम इस साइड पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें दो ये वाला ग्रुप है आइसोसाइनेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाई आइसोसाइनेट। इस तरह डाईओल की बात की जाए, दरम्यान में CH2, यहाँ पे एक OH लगा दो, एक OH इस साइड पर लगा दो, ये डाईओल है, एक अल्कोहलिक ग्रुप और ये पड़ा हुआ है हमारे पास दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है डाईओल, मतलब इसमें दो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद हैं। अब बेसिकली पॉलीयूरेथेन इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से बन रहा होता है, इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से बन रहा होता है। मसलन मेरे पास, मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है जी सी डबल बॉन्ड ओ एन सी एच टू, मैं सपोज करता हूँ ये दो ले लेता हूँ, सही CH2 CH2, आगे फिर एन सी डबल बॉन्ड ओ, और इसका रिएक्शन करवा देते डाईओल के साथ, डाईओल के साथ रिएक्शन करवाने लगा हूं, और डाईओल CH2 यहां पे भी दो CH2 ले लेता हूं, मतलब यहां पे CH2 CH2, इसको मैं सिंपल करके CH2 लिख के आगे ब्रैकेट डाल के बाहर दो लिख रहा हूं, ठीक है। और ये वाली चीज यहां पे जब ये रिएक्शन होता है ना, पता क्या होता है, यहां पे तो सेम रहेगा ओ सी एन CH2, ये दो हैं N, और सिंपल सा काम होगा, ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ से ये एक H उतरेगा और इस नाइट्रोजन के पास चल जाएगा, बस ये बात याद रखनी है, ये H यहाँ पे आ जाएगा, आगे O CH2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, आगे काम इस तरह चलता रहेगा, ठीक हो गया। ये है जी पॉलीयूरेथेन बनने का तरीकाकार। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म थोड़ा सा गौर करते जाइएगा, बड़ा आसान है मैकेनिज्म। आपने सबसे पहले यह चीज याद रखनी है किसके पास लोन पेयर होता है और किसके पास लोन पेयर नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब होता यह है कि सी एन आगे हमारे पास CH2, ये दो दफ़ा आएगा, इसके बाद N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मैं इस O को ना उठा के ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, बस मैंने ये एक थोड़ी चेंजिंग की है, मैं N C O, O को उठा के थोड़ा ऊपर करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रिएक्शन करवाना है आपने H O CH2 यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे OH, याद रखिएगा
यहाँ पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सेम इसी तरह यहाँ पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा। अब इस अल्कोहल के पास दो लोन पेयर पड़े होते हैं, ये वाली चीज़ जो है ना ये इसके ऊपर अटैक करती है इस कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगी, और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये इस नाइट्रोजन एटम पे शिफ्ट हो जाता है। नाइट्रोजन एटम पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा हमारे पास CN CH2। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज जाएगा नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ, और ये इसके साथ आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन ओ इसके साथ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ अभी एक एच भी जुड़ा हुआ है, अभी एक एच भी जुड़ा हुआ है। चलो मैं इसको एच को ना थोड़ा सा नीचे करके इस तरह लिख लेता हूँ, ये वाला जो एच है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, अब इसके पास CH2 और यहाँ पे OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, यहाँ पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम दो बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर तीन बने हुए हैं, एक उसके लोन पेयर की वजह से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये काम हुआ, और इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब याद रखिएगा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड बन जाए, पहले सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आइटम के मैक्सिमम चार बॉन्ड ही बनेंगे, सही है। और क्या बनेगा हमारे पास CN CH2 और यहाँ पे ट्वाइस N डबल बॉन्ड सी ओ के ऊपर चार्ज, यहाँ पे ओ के ऊपर चार्ज जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये बेसिकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह थोड़ी स्टेबल हो जाता है काम, ठीक है। इसके बाद ओ CH2 ओ एच, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन उतरता है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ से उतरेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होता है, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि बॉन्ड स्टेबल भी होना है, यहाँ पे याद रखिएगा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आया हुआ है, ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ेगा और इसी के साथ ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ बनेगी वो कुछ ये वाली होगी, ज़रा गौर कीजिएगा सी डबल बॉन्ड ओ और इस साइड पे एन CH2 यहाँ पे टू है, यहाँ पे आके एक एच जुड़ जाएगा, ये वाला एच यहाँ पे एच आके जुड़ गया, यहाँ बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड दोबारा फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, सही, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव खत्म, क्योंकि हाइड्रोजन एक यहाँ से निकल गया एच प्लस की फॉर्म में, सही है, और यहाँ पे CH2 और साथ में ओ के साथ एच, सही है। और इसी तरह आगे एक और मोनोमर जुड़ेगा और पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेता हूँ, मसलन मैं आर ये जो CH2 लगाया ना इसकी जगह पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा, मसलन मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, ये इसके यहाँ पे एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसी तरह एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया और आइसोसाइनेट ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, सही है, और इसका रिएक्शन दोबारा फिर मैं इसी के साथ करवा देता हूँ, एच ओ CH2 ओ एच, और यहाँ पे ये दो होंगे, जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास सेम बनेगा, क्या जी एन एच,
यहाँ से ये वाला एच उतरेगा, यहाँ पर जाकर जुड़ेगा सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा सी एच टू ओ एच, और इस साइड पे एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे जो सी एच टू लगा इसकी जगह पे आपने बेंजीन लगाते जाना है, ठीक है, सेम मैकेनिज्म एग्जैक्ट सही हो गया। तो इसके साथ एक और भी चीज़ हम कर लेते हैं, ये था पॉली यूरेथेन। अगर आपको आ जाए पॉली थायो यूरेथेन, पॉली थायो यूरेथेन, यूरेथेन, तो आपने एक सिंपल सा काम करना है, जहां जहां पे ये वाला ओ है ना, ये वाला ओ और ये वाला ओ, इसको आपने सल्फर के साथ रिप्लेस कर देना है। किसके साथ रिप्लेस कर देना है? सल्फर के साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉली थायो यूरेथेन। मतलब ये अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे ये होगा, इसका मैकेनिज्म एग्जैक्ट रहेगा, सिर्फ आपने ये सी एच टू ग्रुप जो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसकी जगह पर ये लगाते जाना है और कोई चीज़ चेंज नहीं होने। चलो पॉली थायो यूरेथेन देख लेते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन है पहले रिएक्शन लिखते हैं सिंपल, सल्फर डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड सी एच टू एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एस, सही है, ये हमारे पास है थायो यूरेथेन, सही है। पॉली थायो यूरेथेन बनाने की ट्राई करते हैं आपने इस चीज़ का रिएक्शन करवा देना है डाइगोल के साथ। किसके साथ करा देना है? डाई ओल के साथ रिएक्शन करवाना है। डाईओल है जी सी ओ एच, इस तरह कर लो, थोड़ा सा एच इधर लिख लो, ओ सी एच टू, ये हमारे पास आ जाएंगे दो, और यहाँ पे ये आ गया। सो जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के नतीजे हमारे पास बनेगा एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन सी एच टू, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस एन सी डबल बॉन्ड एस, यहाँ से एक एच उतरेगा, सेम काम यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ठीक हो गया, बाकी आगे वाला काम सेम रहेगा। आगे वाला काम क्या रहेगा? एग्जैक्ट सेम रहेगा। अगर मैकेनिज्म की बात करूँ सेम एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है वहाँ पे आपने सल्फर लगाते जाना है। अगर पहले वाला मैकेनिज्म समझ आ गया है तो ये वाला काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो चले जी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो आपने सबसे पहले इसी को लेना है एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन सी एच टू, और ये हमारे पास आ जाएंगे दो एन सी डबल बॉन्ड एस। मैंने क्या किया, यहाँ से एस उठा के थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया और कोई चेंजिंग नहीं की, और सेम काम एच ओ सी एच टू और ओ एच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास एस सी डबल बॉन्ड एन सी एच टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे एन, और इसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव सी डबल बॉन्ड एस सिंगल बॉन्ड ओ, ये वाला एच में नीचे की तरफ निकाल कर लिख देता हूँ। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, सेम काम वहाँ वाला, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम दो बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे तीन बॉन्ड बन गए, डेट्स वाई ऑक्सीजन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा अगर आप यहीं पे करना चाहें तो आप प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ पे क्या होगा जी प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र, ये वाला प्रोटॉन यहाँ से उतरेगा यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, सही है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सी डबल बॉन्ड एन सी एच टू, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, वो वहाँ यहाँ पे सिर्फ एक शह शो करवाने के लिए मैंने ये काम किया था कि यहाँ पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाता है? रेजोनेंस, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, सही है, ये चेक करें, ये रेजोनेंस होती रहती है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर लेता है अपने आप को। मैंने आप डायरेक्ट करना चाहें यहाँ से एच उतारो, यहाँ पर लगाओ एन के साथ एच सी डबल बॉन्ड एस ओ, अब ये वाला एच उतर के यहाँ पर चला गया और यहाँ पर ऑक्सीजन के अब
दो ही बॉन्ड रहेंगे, और ये वाला जी पोलीथायो यूरेथेन, ये क्या हमारे पास पोलीथायो यूरेथेन। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने पोली यूरेथेन और पोलीथायो यूरेथेन अगर एक को डिस्कस कर लेते हो, एक को समझ लेते हो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो याद रखिएगा बाकी आप खुद ब खुद ही कर लोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।